我生命中最重量级的女孩，我知道她所有的喜好禁忌，我知道她的小调皮，我知道她的愿望是和大帅哥谈恋爱。Movie start होती है लिंच योची के साथ, जो एक आइलैंड में रहती है। हैनबिन उसका बचपन का दोस्त है, जो कि एक फेमस प्रोड्यूसर भी है। बचपन में शोची पतली थी और बिन काफी मोटा था। स्कूल में लोग उसे तंग किया करते थे। एक दिन स्कूल में कुछ शरारती बच्चे उसे बहुत सारा खाना देते हैं और उसे खाने का कहते हैं। शोची उसको बचाने आती है और उसका सारा खाना खा देती है। उसके बाद से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। बड़े होने पर बिन काफी पतला और हैंडसम था, जबकि शोची थोड़ी मोटी थी। वो दोनों शोची के बर्थडे पर मिलते हैं। बिन उससे उसकी विश पूछता है तो वो कहती है कि उसे इस साल किसी लड़के के साथ डेट पर जाना है और बिन को उसकी मदद करनी पड़ेगी। यह कहकर जब वो अपने घर जाती है तो उसे एक रैबिट दिखता है, जिसे चोट लगी थी। वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे फ्रस्ट्रेट करती है। रैबिट की आंखें चमक रही थी, तभी उसके घर की बेल बजती है। जब वो डोर ओपन करती है तो उसके घर क्रिस हैंग और उसकी टीम पहुंची थी। क्रिस शोची का लॉन्ग टाइम क्रश था। क्रिस और उसकी टीम आइलैंड पर शूटिंग के लिए आए थे। हैवी रेन की वजह से वो शोची के स्टूडियो में आते हैं। क्रिस शोची की आंखों की तारीफ करता है और उसे कहता है कि अगर वो थोड़ा वेट लूज करेगी तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी। क्रिस की बात सुनकर शोची बिन के पास जाती है और उसे वेट लूज करने के लिए मदद करने का कहती है। बिन उसके लिए एक डाइट प्लान तैयार करता है। कुछ दिनों तक वो डाइट प्लान फॉलो करती है, पर इतनी मेहनत के बाद भी उसने सिर्फ 1 kg वेट लूज किया था। वो काफी डिमोटिवेट होती है। तभी वो रैबिट उसे एक अजीब से घर ले जाता है। जब वो घर के अंदर जाती है तो वो फ्लोर पर खींची चली जाती है और एक अलग जगह पहुंच जाती है। उसे वहाँ एक ड्रेन फिक्सर मिलता है। वो उससे उसकी विश पूछता है तो वो उसे पतला करने के लिए कहती है। ड्रेन फिक्सर उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि इस मेडिसिन का एक घूंट पीने से वो 12 घंटों के लिए पतली हो सकती है, लेकिन उसके बदले में भी उससे कुछ लिया जाएगा। वो मान जाती है। वो मेडिसिन लेकर घर जाती है। सुबह उठते ही वो खुद को स्लिम पाती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर उसे रात की बातें याद आती हैं। अब वो एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनती है जो उसे पहले फिट नहीं आता था। वो उसे पहनकर क्रिस के मैनेजर से मिलने जाती है, जिसे उसे हार्ड कॉपीज देनी थी। सब लोग उसे नोटिस करते हैं। शोची को थोड़ा अजीब लगता है। शोची काफी ब्यूटीफुल हो गई थी, सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो जैसे ही क्रिस के ऑफिस पहुंचती है, क्रिस भी उसे नोटिस करता है, पर तभी शोची का वेट वापस से ज्यादा होने लगता है। वो जल्दी से वहां से निकलती है और अपने घर पहुंचती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस वो मेडिसिन देती है और फिर से स्किन हो जाती है। उसी रात उसके घर पर बिन आता है। वो खुद को कवर कर लेती है और खुद को शोची की फ्रेंड बताती है, लेकिन जैसे ही बिन उसे देखता है वो कहता है कि तुम शोची ही हो। शोची चौंक जाती है। तभी उसका वजन वापस से ज्यादा होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये मेडिसिन सिर्फ 12 घंटे की काम करती है। शोची बिन को ड्रिंक फिक्सर के बारे में बताती है, पर बिन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो उसे डाइट और एक्सरसाइज करने का कहता है। शोची उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन शोची अपना हेयर कट चेंज कर लेती है और अपना नाम भी चेंज कर लेती है। एलिस में बिन को क्रिस का एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करने का मौका मिलता है। अगले दिन शोची ब्यूटीफुल ड्रेस में म्यूजिक वीडियो शूट पर पहुंचती है, खुद को बिन का इंटर्न बताकर। क्रिस जब उसे देखता है तो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी म्यूजिक वीडियो में कास्ट करे। डायरेक्टर शोची की ब्यूटी देखकर क्रिस की रिक्वेस्ट मान देता है। शोची सबको अपना नाम एलिस बताती है, जिससे बिन बहुत नाखुश नजर आता है। बिन शूट को काफी डिस्टर्ब करता है। अगले दिन जब क्रिस और एलिस का किस सीन होता है तो बिन शूट को दरमियान में ही रोक देता है। बिन का ये बिहेवियर देखकर क्रिस को समझ आ जाता है कि वो एलिस को लाइक करता है। क्रिस एलिस को मूवी के लिए पूछता है, वो मान जाती है और वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। वहाँ बिन भी आता है। एलिस उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बिन उसे कहता है कि वो भी मूवी देखने के लिए आया है। एलिस उसे वहाँ से जाने का कहती है। एलिस के मना करने के बाद भी क्रिस मूवी देखने के बाद उसे क्लब ले जाता है, क्योंकि एलिस के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। 12 घंटे खत्म होने वाले थे। वो क्लब पहुँचती है। वो नोटिस करती है कि वो फिर से मोटी होने वाली है। वो भागकर वॉशरूम चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर बिन पहुँचता है एक टेडी बियर की कॉस्ट्यूम में। वो उसे वॉशरूम में कॉस्ट्यूम देकर बाहर उसका इंतजार करता है। उसी वक्त वहाँ पर क्रिस आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उन दोनों का पीछा कर रहा है। क्रिस तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लेडीज पर कमेंट करता है कि वो कितनी मोटी हैं। तो बिन कहता है कि मोटे होने में क्या हर्ज है। तो क्रिस उसे कहता है कि अगर आप पतले नहीं हो तो आपको ब्यूटी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। ये सब बातें शोची सुन रही थी। घर जाते हुए बिन उसे कहता है कि तुमने इतने सारे न्यू ड्रेसेस और न्यू शूज क्यों दिए, जबकि तुम सारे पैसे न्यू स्टूडियो के सेटअप के लिए बचा रही थी। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों स्कूल में थे। कुछ फ्रेंड्स बिन से पूछते हैं क्या शोची तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो लोग हमेशा साथ नहीं रहते हैं। लेकिन बिन अपने फ्रेंड से कहता है कि शोची मुझे पसंद नहीं है। तब उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि सही है, शोची जैसी लड़की को कौन अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। लेकिन ये सब बातें शोची सुन रही थी। अब प्रेजेंट में ये सब बातें याद करके शोची वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में क्रिस की मैनेजर एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलती है। वो उसे कहता है कि एलिस के बारे में किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एलिस और शोची के दरमियान कुछ कनेक्शन जरूर है।
इसी बीच बिन का फ्रेंड उसे कहता है कि जब शोची उसके साथ थी तो उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने सारे मौके गवा दिए, लेकिन अब शोची क्रिश के साथ है। बिन कहता है कि मैं शोची को कभी भी पसंद नहीं था। बिन अपना फ्लैशबैक याद करता है जब वो अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वो और बिन कपल हैं? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बिन के चेहरे से थक गई है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बिन ये सब बातें सुन रहा था। अगले दिन टीम डिनर होता है जहां बिन और शोची पहुंचते हैं। वो शोची को वेट करने का कहता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। उसी बीच क्रिस की मैनेजर क्रिस से कहती है कि वो एलिस का सीक्रेट जानती है। उसी वक्त बिन वॉशरूम में क्रिस को किसी लड़की से बात करते हुए सुनता है। वो उस लड़की से कहता है कि वो जल्द ही घर आ जाएगा। बिन उससे पूछता है कि क्या एलिस को इस सब के बारे में पता है, तो क्रिस उसे कहता है कि तुम्हारे और एलिस के दरमियान क्या चल रहा है ये मुझे पता है। बिन को काफी गुस्सा आता है, वो क्रिस को मारता है और दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। शोची उन दोनों को रोकती है जब बिन शोची को घर छोड़ने जाता है। शोची बिन से पूछती है कि तुमने क्रिस को क्यों मारा। बिन कहता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर तुम शोची बनकर उसके सामने आओगी तो वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा, ये तुम भी जानती हो। शोची बिन से कहती है कि तुम भी तो बदल गए हो, हम इतने सालों से साथ थे लेकिन तुमने कभी मेरी केयर नहीं की, लेकिन अब जब मैं स्लिम और खूबसूरत बन गई हूँ तुम भी मेरी केयर करने लग गए हो। बिन उसे कहता है कि वो कभी भी नहीं बदला, वो हमेशा से उसकी केयर करता था। अगर सच में तुम्हें पतला होना है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शोची उसे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए ही मोटी हो गई, लेकिन बिन को यहाँ कुछ याद नहीं था। तभी शोची रियलाइज करती है कि ड्रीम फिक्सर ने उस दवा के बदले बिन की सारी बचपन की यादें मिटा दी हैं। फिर जब शोची क्रिस से मिलती है तो क्रिस उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसके और बिन के दरमियान इतनी करीबी उसे अच्छी नहीं लगती। शोची उससे पूछती है कि अगर वो कभी मोटी हो जाएगी तो क्या वो उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा। क्रिस कहता है कि वो मोटी कैसे होगी, उनके प्रोफेशन में फिट रहना जरूरी है, मोटा छोड़ो बल्कि अगर वो 2-3 kg वजन कम करेगी तो वो और ज्यादा अच्छी लगेगी। शोची ड्रीम फिक्सर के पास जाती है और उसे परमानेंटली पतला करने का कहती है। वो कहता है कि मेरे पास वो भी मैजिकल मेडिसिन है लेकिन यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। ड्रीम फिक्सर उसे बताता है कि मैजिकल मेडिसिन के बदले वो शोची से कुछ कीमती देने वाला है। शोची मान जाती है और मैजिकल मेडिसिन को अपने साथ लेकर जाती है। अगले सीन में हम बिन की याददाश्त वीक होते हुए देखते हैं। जब वो शोची और अपनी तस्वीर देखता है तो उसे कुछ चीजें याद आती हैं। अगली सुबह शोची हमेशा के लिए पतली हो चुकी थी। जब वो म्यूजिकल वीडियो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है तो सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि क्रिस भी। हुआ यूं था कि शोची की पिछली तस्वीरें सामने आ गई थी। मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो वाकई पहले मोटी थी और क्या सच में उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तभी क्रिस की एक फैन उस पर पानी फेंक देती है। शोची वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस के सब फैन उसे घेर लेते हैं। तभी बिन आकर उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। जब शोची बिन से बात करने की कोशिश करती है तो बिन उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड शोची हूँ। बिन उसे कहता है कि मैं अपने बचपन की फ्रेंड से स्कूल के बाद से मिला ही नहीं। बिन उसे कहता है कि वो शोची नहीं है। तभी शोची को समझ आता है कि ड्रीम फिक्सर ने बिन की इसके साथ जो यादें थी वो मिटा दी हैं। कुछ दिनों बाद शोची को पता चलता है कि बिन ने उसके चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में एक सॉन्ग लिखा है। जब वो उसे सुनती है तो उसे पता चलता है कि बिन उसे कितना प्यार करता था। बिन को लगता था कि शोची को वो पसंद नहीं है, इसलिए बिन ने कभी भी अपना प्यार उसके सामने कन्फेस नहीं किया। फिर जब शोची को अपनी गलती का एहसास होता है उसे समझ आता है कि उसने बिन को कितना हर्ट किया। वो भागते हुए ड्रीम फिक्सर के पास जाती है और उसे पहले जैसा करने की रिक्वेस्ट करती है। पहले तो वो मना कर देता है, फिर जब वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो ड्रीम फिक्सर उसे कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है। शोची अब वापस पहले जैसी हो जाती है और भागते हुए बिन के पास जाती है। फिर उसका ग्राउंड में वेट कर रहा था, जैसे ही वो शोची को देखता है उसके पास भाग कर आ जाता है। तभी वो एक अंडरग्राउंड में गिर जाता है। शोची भी उसके साथ अंडरग्राउंड में गिर जाती है। शोची उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन बिन को शायद कुछ भी याद नहीं था। वो उसे कहती है वो उसे काफी पहले से पसंद करती है और उसे आई लव यू कहती है। और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।